लगता है आपको कहाँ ये कमी नजर आ रही है? ये पूरे प्रशासन में आज खट्टर सरकार नाकारा सरकार हो चुकी है। पूरा प्रशासन खट्टर सरकार के हाथ से निकल चुका है। किसी प्रकार की सरकार नहीं, यहाँ गुंडाराज चल रहा है। टोटल लूट मची हुई पूरे हरियाणा में, चाहे गैंगस्टर के नाम पे हो, चाहे दलितों के साथ अत्याचार के नाम पे हो, पूरी तरीके से हरियाणा डामाडोल हो चुका है। आप विपक्ष में हैं तो सरकार, आम आदमी आज इतना त्रस्त हो चुका है कि हर समाज की लड़ाई के लिए, हर एक आज समाज इस लड़ाई के लिए आज जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, और बहुत से पूरे हरियाणा के अंदर, चाहे कोई सा भी वर्ग ले लीजिए, आप सब के सब रोड पे हैं। जो हरियाणा का आज हाल इन लोगों ने कर दिया है, वो पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। राहुल, आप क्या कहना चाहेंगे? लगातार शुरू से जुड़े इसमें। मैं वहाँ जुलाना में गया था। जुलाना के अंदर जिस प्रकार से पुलिस की जो अत्याचार है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जबकि ये भी नहीं देखा जा रहा उसकी डेड बॉडी आज पांचवा दिन है। ना ही तो सरकार के द्वारा उन परिवार वालों को संतुष्टिजनक जवाब मिला है कि हम FIR करेंगे पुलिस वालों पे या नहीं करेंगे, जबकि पुलिस की कस्टडी में वो लड़का एक्सपायर रहा है। हमारी प्रशासन से मांग है कि उस लड़के को न्याय दिलाने के लिए CBI की जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही केस 3 साल पहले रिक्शा वाले के साथ झज्जर में भी हुआ था, वो याद दिलाता है। उसके बाद यमुनानगर में हमारा भी ये यहाँ हुआ है एपी भाई के साथ। ये नया केस नहीं है, यहाँ पर गुंडा राज है। पुलिस के नाम पर लाइसेंस लेकर के गुंडागर्दी चला रहे हैं। ऐसे ही गरीब बच्चों को पुलिस ले जा करके झूठे मुकदमे में फंसाती है। वहाँ 3-3, 4-4 दिन बिना गिरफ्तारी के दिखा करके अंदर, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, ऐसे उनका रिमांड लिया जाता है, 3rd degree का टॉर्चर किया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है, पानी में डुबोया जाता है, उनके हाथों पे नोह पे मारा जाता है। इसी बुरी तरह इस लड़के के साथ ये किया गया है और ये प्रार्थना के तहत ये इसकी मृत्यु हुई है। और पुलिस और सरकार अभी इससे भाग रही है। 13 तारीख को लेकर गए थे और 18 तारीख को उसको बेचारे की डेड बॉडी सौंपी गई है। लेकिन पूरे हरियाणा का समाज एक है, 36 बिरादरी एक है। ये सरकार जो भाजपा सरकार है, ये सब कुछ बिल्कुल फैल हो चुकी है, इनकी कहीं बस नहीं चलता। पुलिस डंडे के बल पे पूरी सरकार यहाँ गुंडागर्दी चला रही है। मेरी प्रार्थना कि जो परिवार है, उस परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, 50 लाख रुपये उन्हें सहायता दी जाए, और जो पुलिस वाले जो दोषी हैं, उन दोषियों को गिरफ्तार करके तुरंत उनको सस्पेंड किया जाए, और आगे एक कम हेटी और एक कानून ऐसा बना जाए कि ऐसे जो पुलिस के अंदर पकड़ के जो हत्याएं होती हैं, उन पर तुरंत मुकदमे दर्ज हों, कि जांच के नाम पर बार बार, क्योंकि साल दो साल के बाद उन जांचों को बंद कर दिया जाता है। सीधी बात है कि भाई साहब, चोर चोरी कर, अगर चोर न जांचती बैठा दो तो चोर न पकड़े को ना, पुलिस प्रशासन यही प्रशासन जांच करता निकाल देता। इसकी CBI जांच होनी चाहिए तुरंत प्रभाव से, और जब तक ये नहीं होता, जब तक ना तो उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और अभी तो झज्जर, रोहतक, जुलाना में, कल भादरगढ़ होगा, आने वाले 1-2 दिन में पूरे हरियाणा में जाम लगेंगे, पूरे हरियाणा में प्रदर्शन होंगे, और खट्टर सरकार बिल्कुल फैल हो चुकी है, नकारा हो चुकी है। हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसा एक मामला 10वीं का एग्जाम में आया था, हिसार के एक बच्चे को दलित परिवार का था, दबंगों ने दबंगाई से उसको एग्जाम के अंदर नहीं जाने दिया। वो शुक्र उसके माता पिता का जो कोर्ट में जा पेश हो गए, उसको सरकार ने सहायता दी, तब वो 10वीं। कब तक हमारे बच्चों के साथ ऐसा होता है? हमको इंसाफ चाहिए, दलितों को भी जीने का हक है। हम इस देश के शासक रह चुके हैं, लेकिन हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सरकार से और सब बिरादरी से अपील है, हमारे को न्याय मिलना चाहिए, इन भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। आगे से किसी भी बिरादरी परिवार के साथ, बच्चे के साथ गलत ना हो, आपसे हमारी यही अपील। आप जब भी देख रहे हो कि दलितों पर ही अत्याचार हो रहे हैं, जितने हो रहे हैं दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, अगर पुलिस प्रशासन जो दोषी है तो पुलिस पकड़ती क्यों नहीं? उसको क्यों लगाया जा रहा पुलिस से? खट्टर सरकार ने ऐसा कर रखा कि सिर्फ दलितों को ही खत्म कर रहा, हमें तो एक दलितों को कीड़ा मकोड़ा समझ रखा, जब चाहे जब पेड़ से कुचल देंगे हमें। और अब हम जाग चुके हैं, और हम जाग चुके हैं, कुर्सी से हम ही कैसे गए। आज तो हमने इस रोड पे किया, शहर के अंदर, हर गांव के अंदर जाम कर दिया जाएगा, जंग छिड़ेगी चीज। हरियाणा बंद होगा जी, सारा हरियाणा बंद कर दिया होगा। एक मिनट, अगर हम पब्लिक को परेशानी, पप्पी भाई को और जानू वाल्मीकि को अगर न्याय नहीं मिलता तो हरियाणा बंद होगा। आज ही झज्जर के अम्बेडकर चौक से मैं ऐलान करता हूँ, और ये जितने भी साथी यहाँ खड़े हैं, अगर खट्टर सरकार ये सोच रही है कि 50 या 100 की तादाद में है, तो सरकार को मैं आगाह कर देता हूँ कि ये 1-2 लाख की भीड़ भी हो सकती है, अगर उन भाइयों को न्याय नहीं मिला तो। ये तो सीधी सी बात है,
जनता की रक्षा करने का काम पुलिस का होता है, लेकिन रक्षक बने भक्षक, ये वो बात हो गई। पब्लिक को पैसे नहीं करना चाहते, इसलिए हम मेरी बात सुनिए, हम कभी भी सरकार से अब हम अपील कर रहे हैं, हमारा अभी कोई नुकसान या ऐसा कुछ करने का कोई इरादा नहीं है और नुकसान आगे भी नहीं होगा, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट फुल चलेगा और जबरदस्त वाला चलेगा, लेकिन सरकार इस मामले को हल्के में ना ले, कभी हल्के हल्के के चक्कर में और ज़्यादा कोई बड़ा कुछ ना हो जाए। तो इसलिए जितनी बातें मेरे साथियों ने कही, अब बताने के लिए ज़्यादा तो है नहीं, बस इतना ही काफ़ी है।